हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजय टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है वो कितने बजे घोषित होने वाला है, आपको कहाँ पे आपका रिजल्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और कितने परसेंट बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं और किस किस क्लास का रिजल्ट निकल रहा है, तो वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइनली आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें तो पता ही होंगी बहुत सारे बच्चों को कि आज 27 अप्रैल को 12:30 बजे जो आपको ऑफिशियली वेबसाइट है यूपी बोर्ड की, वहाँ पे आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपको रिजल्ट भी कैसे चेक करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और 10th और 12th है दोनों का जो रिजल्ट है वो एक साथ निकलने वाला है आज। तो यहाँ पे सर्वर जो है वो थोड़ा सा बिज़ी होने वाला है, तो आपको यहाँ पे मैं 2 या 3 वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप वो किसी भी वेबसाइट पे जाकर अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। सो लाइव दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको जो पूरी जानकारी वो स्टेप टू स्टेप आपको मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले दोस्तों सबसे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जो सबसे पहली वेबसाइट है तो वो है upmsp.edu.in। तो पहली वेबसाइट आप यहाँ पे आकर के अपना जो यूपी रिपोर्ट का रिजल्ट है वो आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप आएंगे अपने फ़ोन से, आप अपने फ़ोन से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, वो भी कैसे वो मैं बता रहा हूँ उसे। तो क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपको इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना, आपको यहाँ पे सबसे पहले एक लिंक मिल जाएगा समस्त परिणाम का, आपको यहाँ पे आकर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखिए जो लिंक है वो 2018 का आपको मिल जाएगा, 17 को मिल जाएगा, तो जैसे ही 2019 का भी लॉन्च होगा तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको 2019 का जो आपका लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा, बट अभी फ़िलहाल जो पुराने पेजेस हैं उनको हटा दिया गया ताकि ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, इसलिए इन पुराने पेजेस को हटा देगा। तो एक वेबसाइट ये हो गई, आपको हम यहाँ पे दूसरी वेबसाइट के बारे में बताने वाले हैं। तो दूसरी वेबसाइट ये है upresult.nic.in। आपको यहाँ पे ये आपको सर्च इंजन पे टाइप करना है, टाइप करने के बाद आपको जैसे सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से बिल्कुल इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे 2018 का जो रिजल्ट दिया अनाउंसमेंट, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2018 का अनाउंसमेंट मिलेगा। अब जैसे ही 2019 वाला लॉन्च होगा तो यहाँ पे 2018 का हट के आपको यहाँ पे 2019 का रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों वेबसाइट पे आप जाकर जिस वेबसाइट पे ट्रैफिक कम हो गया आप वहाँ से अपना रिजल्ट आप जाके चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पे सारा कुछ बता दिया है, तो चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फिर से कि इस पे ओपन कैसे करना है। जैसे मान लो मैं 2018 का है फिलहाल, तो जैसे आप उसको ओपन करते हो आपको यहाँ पे सिंपल सा अपना रोल नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक जो आपको कॉलेज का कोड होगा आपके एडमिट कार्ड पे, आपको वो कोड यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको बस सबमिट पर क्लिक करिएगा, आपका रिजल्ट जो होगा वो फाइनली खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो आपका हाँ जो आपका रिजल्ट है वो 12:30 बजे फाइनली आपका रिजल्ट जो 12:30 बजे आ जाएगा, तो आपको टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने वाला है वेबसाइटों पे। एक साथ इतने सारे बच्चे, 58 लाख बच्चे होंगे तो सारे एक साथ ओपन करेंगे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा आप वेट भी कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट थोड़ा स्लो चले तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो ना, किसी भी सर्वर कैफे साइबर कैफे पर आकर आप अपना रिजल्ट भी चेक करवा सकते हो। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।